हाय दोस्तों, नमस्ते। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूँ श्रीजा। आज की रेसिपी है बिना सांबार पाउडर की। सांबार बना के दिखाऊंगी, बहुत ही यम्मी बनाता है। और साउथ इंडियंस किस तरह से बनाते हैं उस तरह से एग्जैक्टली मैं वैसे ही बना के दिखाऊंगी, तो बहुत बढ़िया लगता है। आप इस रेसिपी को इडली, चावल, डोसा और हम लोग तो इसको पराठा में भी खाते हैं, बहुत ही यम्मी लगता है। आप भी ज़रूर इसको बनाकर खाइए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ 1 कप दाल को अच्छे से धो के और इसको फुला के इस तरह से कुकर में रख के 3 सीटी में आने दिए। एक एक सीटी हाई फ्लेम में और 2 सीटी लो फ्लेम में करके इस तरह से मैंने उबाल दिए। देखिए इस तरह से अच्छे से ये उबल चुका है। गरम में हम लोग स्मैशर से इस तरह से करेंगे तो अच्छे से ये स्मैश हो जाता है। मैक्सिमम साउथ इंडियंस इस तरह से ही करता है। इसमें मैंने चाहिए तो आप इसने मिक्सी में भी पीस सकते हैं। उसी के बाद मैंने यहाँ जिस कप से मैंने दाल ली हूँ उसी का आधा कप इमली का जूस ले रही हूँ, तो इसको अच्छे से मिला दूंगी। अगर आप इसमें आम डालेंगे तो आप इसको थोड़ा कम कर दीजिएगा। थोड़ा सा पानी भी ऐड करके इसको एक बाउल में निकाल दूंगी। इस तरह से निकालने के बाद में इस तरह से मैंने दाल को मिला कर रख दिया। चाहिए तो आप इसमें इमली बाद में भी मिला सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ सब्जियाँ ली हूँ। बैंगन को इस तरह से काट के पानी में डाल दिए और भिंडी और कद्दू भी कट के रख दिए, तो इस तरह से मैंने सारा कट कर दिए। अब मैंने इसको चूल्हा पे चढ़ा देंगे। तो एक बर्तन ली हूँ कि यहाँ थोड़ा मोटा रहना चाहिए। चाहिए तो आप इस सारा प्रोसेस कुकर में भी कर सकते हैं। थोड़ा सा 1 टेबल स्पून तेल डाल दिए और इसमें सरसों और जीरा में थोड़ा सा मेथी भी ऐड कर लूँगी, ये इससे बहुत फ्लेवरिंग आता है। और इसमें हींग भी थोड़ा सा ऐड कर लूँगी। अगर आपको पसंद नहीं तो हींग को स्किप कर सकते हैं। उसके बाद इसमें करी पत्ता बहुत ही ज़रूरी है इसमें डालना, इसी से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। ये करी पत्ता भी अच्छे से फ्राई हो जाता है। अब इसमें मैंने बारीक कटा हुआ प्याज और टमाटर भी ऐड कर लूँगी। अब देखिए इसमें जो मैंने सब्जी काट के रखते वो भी डाल दूँगी। इस सारा सब्जी इसमें ऐसे कच्चा ही रहना है, इसको अच्छे से फ्राई नहीं करना है। जिस ऐसे ही आप इसको मिला दीजिए। इसमें मैंने हरी मिर्च भी ऐड कर लिए और सारा मसाला मैंने इसमें ऐड कर लूँगी। हल्दी और लाल मिर्च, धनिया पाउडर और स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर लूँगी। थोड़ा पानी भी डाल दूँगी इसको फ्राई नहीं। इसमें जो सब्जियाँ हैं, प्याज, सब कुछ कच्चा ही रहना है, तभी इसका जो फ्लेवरिंग बहुत ही बढ़िया आता है। आप इसमें चाहिए तो ड्रम स्टिक्स और आम भी ऐड कर सकते हैं, तो बैंगन ज़्यादा मत ऐड कीजिएगा। थोड़े देर अब मैंने इसको ढक लूँगी और थोड़ा सा गैप रखूँगी। उबलते हैं तब नीचे गिरने का चांस रहता है। इस तरह से देखिए उबल चुका है, हमारा सब्जी भी अच्छे से पक चुका है। पकने के बाद जो दाल हम लोग रखे थे वो भी ऐड कर लूँगी। सारा एक साथ आप ऐड करके भी बना सकते हैं, पर इस तरह से करके देखिएगा अच्छे से बनता है। सारा मैंने इस तरह से मिला दिए और स्वाद अनुसार नमक और लास्ट में थोड़ा सा धनिया पत्ता भी ऐड कर लिए। इस तरह से सांभार बहुत बढ़िया से बन जाता है। सांबर पाउडर ऐड करने से इसका जो फ्लेवर बहुत अच्छा। ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपना दोस्त परिवार को शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, और अब तक हमारे चैनल को कोई देखते सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।